नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल अनिल रॉयल होम्स पर। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बेहतरीन 4 BHK कोठी जिसकी डायमेंशन रहेगी 20x60 की, यानी कि 133 गज में शानदार 4 BHK कोठी रहने वाली है MS एनक्लेव डकोले के अंदर। बहुत ही शानदार एमिनिटीज के साथ आपको ये कोठी मिलने वाली है। रोड देख सकते हैं दोस्तों, शानदार रोड है। एलिवेशन देखिए, फ्रंट एलिवेशन देखते ही लुक बन रही है दोस्तों, कितने शानदार ब्राउन कलर की वाइट कॉम्बिनेशन के साथ। और ये देखिए जो गेट है ना, उसकी लुक भी बड़ी शानदार है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी अगर आप पार्किंग करना चाहते हैं गाड़ी की, तब भी बहुत आसानी से कर सकते हैं पार्किंग, और अंदर गाड़ी पार्क आराम से हो जाएगी। अंदर चलते हैं। ये फुट स्पेस देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी अच्छे खासे यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि स्पोर्ट, ये देखिए अच्छी खासी मतलब कि हमारी ये विला और ये कोठी रहने वाली है। डोर देख सकते हैं, शानदार डोर है। अंदर एंट्री करते ही वाह, शानदार लग्जरी हमारी कोठी रहने वाली है। पोर्च एरिया देखिए दोस्तों, शानदार पोस्ट एरिया रहेगा, शानदार यहाँ पे गाड़ी पार्क हो जाएगी। और एक वॉशिंग एरिया हमारा यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या बात है, टाइल्स बाथ टैब सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये देखिए प्रॉपर तरीके से लाइट सब कुछ, मतलब कि वॉशिंग एरिया में जो आप चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, गार्डनिंग आप कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। टाइल्स यहाँ पे अच्छी खासी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। एलिवेशन जो आपका फ्रंट एलिवेशन है, यानी कि पेंट से छुट्टी, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी आपको यही बात मैं बोलूंगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से टाइल्स यहाँ पे दी गई है। हम एंट्री करते हैं। एंट्री हमारे जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी दो तरीके से रहेगी, एक हमारे इस साइड से रहेगी, एक हमारे इस साइड से रहेगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलते हैं अंदर और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, अंदर एंट्री करते ही जो हमारा ड्राइंग डाइनिंग एरिया है ना, बहुत लग्जरी है, अच्छे खासे स्पेस के साथ है। ये देखिए दोस्तों, मैं कितनी दूर तक गया हूँ आप देख सकते हैं। बात करूं दोस्तों इसकी साइज की, जो इसका साइज है ना, जो ड्राइंग डाइनिंग एरिया है इसका जो साइज है वो रहेगा 10x28 का। क्या बात है दोस्तों, जो 28 फीट का जो दोस्तों इसका इसकी लंबाई है ना ड्राइंग एरिया की, देखते ही लुक बन गई। ये देखिए क्या बात है, यहाँ से भी एंट्री रहेगी दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा सेकंड डोर है, यहाँ से भी एंट्री रहेगी। और यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी विंडो मिल जाती है ताकि वेंटिलेशन और प्रॉपर तरीके से सनलाइट आपको आपके ड्राइंग एरिया में मिलती रहे, उस चीज का भी ध्यान रखा गया है। और ये देखिए डाउन सीलिंग देख सकते हैं, लेटेस्ट आपको यहाँ पे डाउन सीलिंग मिलने वाली है। एसी का प्रोविजन मिलेगा ड्राइंग डाइनिंग एरिया में प्रॉपर तरीके से, पूरे के पूरे हमारे इस घर में आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है। और ये देखिए दोस्तों, एलईडी पैनल आपको एलटीज मिलेगा। अपर कैबिन देख सकते हैं, लोअर कैबिन देख सकते हैं। ये देखिए क्या बात है, हाइड्रोलिक कैबिन दिए गए, क्या बात है, शानदार यहाँ पे आपको एलईडी पैनल मिलने वाला है। और एक प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको पूजा रूम भी मिलने वाला है। आप चाहे तो इसको पूजा रूम बना सकते हैं या फिर आप स्टोर रूम बना सकते हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से एक बढ़िया तरीके से यहाँ पे डाउन सीलिंग आपको मिलने वाली है। और ये देखिए दोस्तों, अच्छे खासे स्पेस में एल टाइप में यहाँ पे आपको एक किचन मिलने वाला है। किचन का साइज देखिए दोस्तों, 10x10 की यहाँ पे आपकी किचन रहने वाली है, समझ रहे दोस्तों, 10x10 की। जी हाँ दोस्तों, 10x10 की किचन रहने वाली है एल शेप में, बढ़िया शानदार दोस्तों। ये हमारे किचन है, मॉडर्न किचन। कैबिन देख सकते हैं, जो हमारे अपर कैबिन है वो भी बड़े शानदार लुक के साथ, मतलब कि कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, ब्लैक व्हाइट एंड ग्रे रेड, मतलब कि हर कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया ताकि एक लुक है जो आपकी किचन की वो निकल कर आए। डाउन सीलिंग दोस्तों इसमें भी एल चीज आपको मिलने वाली है प्रॉपर तरीके से। एक अच्छी खासी यहाँ पे भी आपको विंडो मिल जाएगी, एक यहाँ पे मैश डोर के साथ आपको खिड़की की में ही वो प्रॉपर तरीके से बनाकर दी गई है ताकि वेंटिलेशन भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ये देख सकते हैं दोस्तों, डबल यहाँ पे सिंक मिलेगा, साउंडलेस सिंक रहेगा, ब्लैक कलर का मार्बल यहाँ पे लगाया गया है ताकि आपकी किचन की जो लुक है वो निकल कर आए। कैबिन देख सकते हैं दोस्तों, शानदार यहाँ पे कैबिन रहने वाले हैं। और जो हमारी किचन है ये देखिए, सॉफ्ट क्लोजर, वाह, कैबिन बहुत सारे हैं, यानी कि आप क्रॉकरी आइटम यहाँ पे रखना चाहते हैं, सारे के सारे क्रॉकरी आइटम यहाँ पे आपके आराम से आसान से तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, कैबिन ही कैबिन है, वाओ। तो जो हमारी गृहिणी है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो उनकी जो डिमांड होती है कि अनिल जी किचन बहुत बड़ी होनी चाहिए, तो लो इससे बड़ा और क्या बच्चों की जान लोगे। किचन 10x10 की है दोस्तों, बहुत कम देखने को मिलेगी। जो हमारी ये कोठी है दोस्तों 4 BHK रहेगी, दो कमरे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे रहेंगे और दो कमरे हमारे
फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। साइज दोस्तों सारे के सारे बेडरूम का सेम रहेगा। ये देखिए दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम यहाँ से एंटर हो जाता है। ये देखिए क्या बात है, शानदार बेडरूम है दोस्तों। सेम एज इज आपको ये बेडरूम मिलने वाला है। डाउन सीलिंग देख सकते हैं दोस्तों, क्या बात है, शानदार यहाँ पे आपको डाउन सीलिंग मिलने वाली है। बात करो दोस्तों इसके साइज की, जो बेडरूम है इसका साइज रहेगा 9.5x14 का। जी हाँ दोस्तों, चारों के चारों बेडरूम का सेम साइज है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। और ये देखिए वार्डरोब, देखिए दोस्तों लग्जरी यहाँ पे आपको वार्डरोब मिलने वाली है। HDMR की वार्डरोब मिलेगी दोस्तों, शानदार। वो अपर कैबिन देखिए दोस्तों, कितने ऊपर का कैबिन है दोस्तों, वो भी स्लाइडिंग के साथ मिलने वाला है। और ये देखिए ड्रेसिंग, ये भी शानदार है। कैबिन इसमें भी अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे। लोअर कैबिन देख सकते हैं, क्या बात है। और यहाँ पे भी सेम कॉम्बिनेशन का दोस्तों ग्रे कलर का आपको यहाँ पे LED पैनल मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी कैबिन मिल जाएगा, शानदार है दोस्तों, मजा आ जाएगा देखकर जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे। अटैच हमारा वॉशरूम रहेगा, लग्जरी वॉशरूम है दोस्तों। आप देख सकते हैं टाइल्स ऊपर से नीचे तक दी गई है, बढ़िया शानदार कंपनी की यहाँ पे सैनिटरी रहने वाली है। वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है दोस्तों। जब आप यहाँ पे आएंगे ना, सच में बहुत शानदार बनी हुई है कोठी, पर्सनली बता रहा हूँ। फटाफट आइए दोस्तों, फटाफट ये कोठी अपने नाम कर लीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बहुत कम यूनिट बाकी है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आ जाता है हमारा सेकंड, मैं बात करूँ, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के शुरुआत में बताया था कि आपको यहाँ पे दो वॉशिंग एरिया मिलने वाले हैं। हमारा ये लास्ट वॉशिंग एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है ताकि आपको किसी प्रकार के प्राइवेसी की चिंता दिक्कत ना हो। हर बेडरूम में से, मतलब फर्स्ट बेडरूम में से भी हमारे इस वॉशिंग एरिया की एंट्री थी। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, यहाँ से भी एंट्री थी। तो चलते हैं दोस्तों हमारे सेकंड बेडरूम में। तो प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया, सेम साइज रहेगा 9.5x14 का। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा सेकंड बेडरूम, आप देख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन हर बेडरूम का अलग रखा गया, थीम अलग रखी गई है। डाउन सीलिंग देख सकते हैं दोस्तों, सेम एज इज आपको डाउन सीलिंग मिलेगी प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए दोस्तों वार्डरोब देख सकते हैं, शानदार यहाँ पे आपको वार्डरोब मिलने वाली है स्लाइडिंग के साथ, क्या बात है। और ये देखिए दोस्तों कैबिन, शानदार यहाँ पे कैबिन मिलने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। AC का प्रोविजन मिलेगा दोस्तों, LED पैनल आपको मिलेगा दोस्तों ग्रे कलर का। अटैच यहाँ पे भी आपको वॉशरूम मिलेगा, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों, सेम आपको ऐसे ही ये वॉशरूम मिलेगा। आप देख सकते हैं लग्जरी यहाँ पे हमारा वॉशरूम रहने वाला है, क्या बात है। जैसे कि मैंने बताया था वॉशिंग एरिया का, ये हमारा सेकंड गेट है दोस्तों। सेकंड गेट आप देख सकते हैं, यहाँ से भी एंट्री आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फैमिली छोटी है, आप रेंट आउट करना चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर को, दो कमरे हमारे ऊपर रहेंगे, प्रॉपर किचन रहेगी, उस चीज का भी ध्यान रखा गया है, प्राइवेसी आपकी मेंटेन रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर का मार्बल के साथ आपको स्टेज मिल जाती है, शानदार यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है। हम ऊपर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए क्या बात है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी एक अच्छी खासी विंडो मिल जाती है, ताकि वेंटिलेशन तो नहीं मैं कह सकता आपको मिलेगा यहाँ से, लेकिन प्रॉपर तरीके से सनलाइट आपको मिलती रहेगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे भी सेम दोस्तों आपको सेम साइज का ये डोर देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल 8 फीट का डोर रहेगा, शानदार है हमें चौखट के साथ। ये देखिए वाह, अंदर एंट्री करते ही सेम डिटो चीज है दोस्तों, जो आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखा ना दोस्तों, सेम ऐसे ही 8, यानी कि जो हमारा ड्रॉइंग कम डाइनिंग एरिया है ना दोस्तों, 28x10 का ड्रॉइंग एरिया रहेगा, बेहतरीन वो रहेगा। सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन सीलिंग आपको मिलने वाली है, AC का प्रोविजन मिलेगा। यहाँ पे आपको एक चीज की कमी लगेगी, वो है हमारा LED पैनल यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट बेडरूम में आपको सेम हमारे जो LED पैनल है वो मिलेंगे। और ये देखिए दोस्तों क्या बात है, L शेप में हमारे यहाँ पे सेम एज इट इज आपको मॉडल किचन मिलने वाली है। वेंटिलेशन का, सनलाइट का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखा गया है। जो हमारी चिमनी है उसका प्रोविजन मिलेगा। और ये देखिए क्या बात है, डाउन सीलिंग आपको एज इट इज मिलने वाली है। और ये देखिए कैबिन, क्या बात है, शानदार यहाँ पे दोस्तों आपको कैबिन मिलने वाले हैं। सॉफ्ट क्लोजर हमारे कैबिन रहेंगे प्रॉपर तरीके से। हमारे जो सिंक है वो साउंडलेस रहेगी, डबल सिंक आपको मिलने वाले हैं। SS कंपनी के दोस्तों यहाँ पे सैनिटरी रहने वाली है। आप देख सकते हैं RO प्रॉपर तरीके से, गीजर की हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे आपको मिलने वाली, प्रोविजन प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है। बहुत बड़ी दोस्तों यहाँ पे आपको किचन मिलने वाली है। अटैच दोस्तों हमारा सेकेंड फ्लोर से आ जाता है हमारा
जो पूजा रूम मैंने आपको बताया था, या फिर आप स्टोर रूम इसको बना सकते हो। डाउन सीलिंग इसमें भी आपको मिलने वाली है। ये देखिए दोस्तों हमारा आ जाता है थर्ड बेडरूम, सेम साइज रहेगा जैसे कि मैंने बताया था 9.5x14 का। जहाँ दोस्तों सेम एच डी आपको बेडरूम मिलेगा, एसी का प्रोविजन मिलेगा। आप देख सकते हैं डाउन सीलिंग शानदार यहाँ पे डाउन सीलिंग रहने वाली है। और वार्डरोब देखिए क्या बात है, शानदार यहाँ पे वार्डरोब रहने वाली है। ग्रे कलर का यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा गया है। और ये देखिए एलईडी पैनल, शानदार एलईडी पैनल आपको चारों के चारों बेडरूम में मिल जाएंगे। अटैच हमारा वॉशरूम रहेगा। जी हाँ दोस्तों क्या बात है, टाइल्स ऊपर से नीचे तक, कलर कॉम्बिनेशन देखिए दोस्तों, मतलब कि आपके जो वॉशरूम है ना उसकी लुक भी अंदर जाते ही एक फील आए कि हाँ शानदार हमने कोठी ली है, लग्जरी फील आए। और ये देखिए दोस्तों ये आ जाती है हमारी बालकनी, ये देखिए क्या बात है। इसको भी आप वॉशिंग एरिया या फिर कुछ भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे भी लाइट टाइल्स प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगा। और आप चलते हैं हमारे फोर्थ बेडरूम में, फोर्थ यानी कि लास्ट बेडरूम में, सेम साइज रहेगा 9.5x14 का। जो हमारी कोठी ना दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे है। ये देखिए दोस्तों यह आ जाता है हमारा फोर्थ एंड फाइनल बेडरूम। जी हाँ दोस्तों कलर थीम देख सकते हैं सेम एज इट इज, आपको एसी का प्रोविजन, डाउन सीलिंग प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, वार्डरोब देख सकते हैं, क्या बात है, शानदार यहाँ पे वार्डरोब रहने वाली है। प्रॉपर तरीके से लाइटिंग एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए क्या बात है, एलईडी पैनल मिल जाएगा दोस्तों। टाइल्स देख सकते हैं शानदार यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। अटैच हमारा यहाँ पे भी वॉशरूम रहेगा, चार बेडरूम चार वॉशरूम, क्या बात है। इससे ज्यादा और बच्चे की जान लोगे क्या दोस्तों, बढ़िया सैनिटरी का इस्तेमाल किया गया दोस्तों। और अब बताता हूँ मैं फाइनल प्राइस। और एक मैं चीज और बता देता हूँ, हमारे जो छत पे जाने के लिए भी दोस्तों बहुत अच्छी खासी यहाँ पे स्टेज का इस्तेमाल किया गया है। लोकेशन मैंने आपको बता दी दोस्तों, एमएस एनक्लेव के अंदर, डोकोली के अंदर ही दोस्तों हमारी ये 4 BHK की शानदार कोठी है। 22x60 का दोस्तों इसकी डायमेंशन है, 133 गज में दोस्तों हमारी कोठी रहने वाली है। बात करूँ दोस्तों इसके प्राइस की, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों 1 करोड़ 1 लाख रुपए में 4 BHK हमारी एक कोठी मिल जाएगी। शानदार कोठी है दोस्तों, थोड़ी सी भी देरी ना कीजिए। मिलेंगे एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।